हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने पोको F6 एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आपके मोबाइल फोन का गूगल असिस्टेंट काम नहीं कर रहा है, गूगल असिस्टेंट में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मोबाइल फोन का आपको ना इंटरनेट चालू रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको मोबाइल फोन में आपका एक गूगल का ऐप होता है, इस गूगल के ऐप को ना ओपन कर लेना है। अब देखिए, इस ऐप में आपको जो है ना सबसे ऊपर ये राइट साइड की टॉप पर प्रोफाइल पिक्चर होती है, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। तो ये आपका ये पेज आ जाएगा। इस पेज में आपको नीचे सेटिंग का ये ऑप्शन है, सेटिंग पे टैप करना है। अब देखिए आपका ये पेज आता है, इस पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलता है गूगल असिस्टेंट, इसे आपको टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक पेज आएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस पेज में आपको हे गूगल एंड वॉइस मैच का ये पहला ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपका एक और पेज आएगा यहाँ पर, इस पेज में आपको पहले तो दिस डिवाइस लिखा हुआ है ना, इसे टैप कर लेना है, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो दिस डिवाइस लिखा है ना, इसे पहले टैप करेंगे तो नीचे आपको इतना ये पेज आपको दिखाई देगा। तो आपको इसमें ना हे गूगल के सामने वाले इस बटन को टैप करके ऑन करना है। तो आप इस बटन को टैप करेंगे तो आपका एक पेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इस पेज में आपको नीचे मोर का ये ऑप्शन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे एग्री पे आपको टैप करना है। अब यहाँ पर इस पेज में आपको दोबारा से मोर पे टैप करना है। अब यहाँ पे आपको दोबारा से एग्री का ये ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक और पेज आता है। अब देखिए इस पे ये आपका पेज आ जाएगा, हे गूगल इज रेडी का। आपको इसमें नीचे नेक्स्ट का ये बटन टैप करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक और पेज आएगा, देखिए इस वाले पेज में आपको फिलहाल के लिए ना इसे नॉट नाउ, नॉट नाउ पे टैप करना है, ठीक है। तो आपका वापस से स्टार्टिंग में यही पेज आ जाएगा। अब देखिए इसका ये है गूगल के सामने वाला बटन ये ऑन हो जाता है। तो इतना प्रोसेस आप करेंगे तब जाके आपका ये बटन ऑन होगा, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, बैक पेज पे जाना है, ठीक है। अब इसके भी बैक पेज पे जाना है। तो आपने स्टार्टिंग में जो गूगल असिस्टेंट सेलेक्ट किया था ना, इसी के ठीक नीचे वॉइस वॉइस पे आपको टैप करना है। अब आपका पेज आता है, इसमें आपको स्पीच आउटपुट पे टैप करना है। अब आपका पेज आएगा, देखिए इस पेज में अगर आपका ये नोन के आगे टिक मार्क लगा हुआ है ना, तो इसे चेंज करके फुल पे टिक मार्क लगा लेना है, इस तरीके से, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको जो ये दो प्रोसेस बताया ना, दोनों प्रोसेस आपको ये कंप्लीट करना है, इससे आपके मोबाइल फोन के गूगल असिस्टेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।